प्रदेश की भाषा है। उड़ीसा की आंचलिक भाषा को मुख्यतः संबलपुर, बलांगीर, बड़गर, सोनपुर जिले में बोली जाती है। वहाँ के गीतों का क्या महत्व है? उदाहरण स्वरूप, मल्ली फूलो फुटी करी मह मह भासु, मल्ली फूलो फुटी करी मह मह भासु, कला भवरा की देखी गह गह हसु, तार तार हेले नानी अलगे जाई बसु, किए टोके काई कहिला सांगोटा अलगे जाई बसु नानी, कही दे रे रसल केरी रे रसल केरी रे। ये एक प्रेम गीत है जिसमें प्रेमी अपनी प्रेमिका से कहता है कि मल्ली फूल की तरह खिलकर तुम खुशबू देती हो और काले भवरे को देखकर मुस्काती हो, पर जब मैं आता हूँ तो तुम दूर चली जाती हो। किसने ऐसा तुमसे ऐसा क्या कह दिया बताओ सखी, जो तुम अकेले जाकर बैठ गई हो। यहाँ रसल केरी संबोधन स्वरूप है। आज हिंदी को समृद्ध बनाने में आंशिक बोलियों का बड़ा योगदान रहा है। जिस लकड़ी का सहारा लेकर चलते हैं उसे कोसली में हमारे प्रांत की भाषा में बाड़ी कहा जाता है। जिस लकड़ी से हम गाय चढ़ाते हैं उसे ठेंगा कहते हैं, और जिससे हम घर बनाते हैं उसे पाटी कहते हैं, जिससे हम मारते हैं उसे झाट कहते हैं। तो यहाँ एक ही वस्तु को इंगित करने के लिए उसके इस्तेमाल के अनुसार अनेक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आंशिक भाषा की लुप्त होती कथाएं, पहले यह होता था संबलपुर में, जब दादी के पास बच्चे जाते थे और कहानियां सुनते थे, तो किस तरह बोलते थे, कहानी सुना भातो रे पिला टुके, कथा सुनने के लिए आओ रे बच्चे, लड़के लड़कियां। अब लोकोक्तियां और मुहावरे, यहां मैं एकाध उदाहरण मुहावरा और लोकोक्ति के ऊपर देना चाहूंगी। एक मुहावरा है खुलकर कुप्पा हो जाना, यानी प्रसन्न हो जाना। इसमें आप लिंग वचन के अनुरूप परिवर्तन नहीं कर सकते। जब मुझे इस भव्य समारोह में शामिल होने का आमंत्रण हुआ तो मैं खुलकर कुप्पी नहीं हुई, कुप्पा ही हो गई। अर्थात मुहावरे के गठन में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ओडिशा की लोकोक्ति में देखें सुंदरी खोलसा फूलो, अर्थात देखने में तो सुंदर है पर उसमें कोई खुशबू नहीं है। कही जान ले कथा सुंदर, चाली जान ले वाटो, अर्थात नाच न जाने आंगन टेढ़ा। लोग आंचलिक मुहावरे, अंधारे बाड़ी बुलेगा, अंधेरे में तीर चलाना, गर्जिला मेघो बरसे नानी, जो बरसते हैं वो बरसते नहीं, तिलों को ताड़ो कोरिबा, तिल को ताड़ बनाना। अंत में मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूंगी, सुरभि हूं मैं फूल नहीं जो मुरझा जाऊंगी। आप लोग जितना भी अवहेलित करें, प्रताड़ना करें, वापस फिर आ जाऊंगी। घमासान.com मंच पर आने का ये सुनहरा अवसर मुझे ज्योति जी के आमंत्रण पर मिला। जब उन्होंने मुझे पहली बार फोन करा, यहाँ आने का आमंत्रित किया, तो मैं उनके इस स्नेही अपने ज्योति जी से मेरी मुलाकात बड़ौदा में हुई थी। ये उनका स्नेह, उनका अपनत्व है कि उन्होंने पहली मुलाकात में ही मुझे याद रखा, और मैं ओडिशा से इतनी दूर पहली बार इंदौर शहर पहुंचाई। चूंकि मैं ओडिशा से हूं और कल से मैं यहाँ इंदौर, ये पूरा हिंदी प्रदेश है, तो मेरे भाषा में, मेरे उच्चारण में, मेरे शब्दों में जरा भी त्रुटि महसूस हुई आप लोगों को, तो मुझे अपना समझकर मेरी गलतियों की गिनतियां कम हो जाएगी, ये मुझे एहसास है। चूंकि मैं उड़ीसा प्रदेश आई हूं तो कुछ देर के लिए आप लोगों को वहां की मिठास से जोड़ना चाहती हूँ। सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि जन्म से ही उड़ीसा प्रांत में रहने के कारण उड़ीसा के प्रति मेरा एक खास रुझान सराहा है।
ओडिशा प्रदेश में हर दृष्टि से संगीत कला एवं साहित्य के क्षेत्र में अग्रसर होने के कारण मेरे अंदर की कला चेतना को भी और अधिक प्रेरित किया है। साठोत्तरी ओडिया तथा साहित्य के कई विशिष्ट कथाकारों जैसे प्रतिभा राय, मनोज दास, सातकड़ी होता, सीताकांत महापात्र की प्रमुख कहानियों को पढ़ने के बाद जब मेरी पहली कृति ओडिया की चर्चित कहानियों का चयन अत्यंत प्रशंसनीय साबित हुआ तब अनुवाद करना मेरे सृजन की भी सकारात्मक सोच बन गई। 1999 में जब ओडिशा में महावात्या बहुत बड़ा समुद्री तूफान, हमारे यहाँ से महावात्या कहा जाता है, समुद्री तूफान आया तो उस वक्त ओडिशा के समुद्री तट पर बसे हुए गांव में तूफान ने घोर प्रलय कर सब कुछ इस तरह ध्वस्त कर दिया था कि लोगों ने अपना घर खोजना तो दूर की बात, अपनी जमीन का अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो गया था। और मेरी एक अनुदित कहानी अल्पना अंकित दीवार बहुत प्रशंसित हुई थी। बस यही कारण है कि ओडिशा की ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी भावनाओं से मैं धीरे धीरे बनती चली गई। वैसे तो ओडिशा के लोग बहुत ही विनम्रशाली हैं। कुछ ओडिशा की मिठास मैं बताना चाहती हूँ। पता नहीं आप लोग कितने परिचित हैं, मुझे पता नहीं, क्योंकि ये पूरा हिंदी प्रदेश है। इसलिए ओडिशा के लोग बहुत ही विनम्रशाली है। वहाँ बचपन से ही बच्चों को किसी भी बात के लिए विनम्रता की एक अनोखी शैली सिखाई जाती है। पूरे भारतवर्ष में जो प्रथा नहीं है वो हमारे ओडिशा प्रदेश में है। जैसे आप मुझे पुकारें तो मैं आपको हाँ या हाँ जी कहूंगी, पर ये ओडिशा प्रदेश में बड़े विनम्र और अदब के साथ आज्ञा का प्रचलन है। इस एक आज्ञा शब्द से ये समझ में आता है कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। तो ये जो विनम्रता है ये सिर्फ ओडिशा में मिलता है। आज तक पूरे भारतवर्ष में 6 भाषा को शास्त्रीय मान्यता प्राप्त हुई है, जिसमें संस्कृत के अलावे बाकी 4 भाषाएं दक्षिण भारत की है। ये बड़े गर्व की बात है कि ओडिया जो मध्य प्रदेश की भाषा है उसे 2014 में शास्त्रीय मान्यता प्राप्त हुई है। ओडिया भाषा की प्रधानता का अनुमान हम ओडिशा के 4 ज्ञानपीठ पुरस्कार श्री गोपीनाथ महांती, श्री सचिदानंद राउतराय, श्री सीताकांत महापात्रा एवं श्रीमती प्रतिभा राज जैसे साहित्यकारों द्वारा भी लगा सकते हैं। कई प्रदेश में मुख्य समाचार पत्रों द्वारा वहां की आंचलिक भाषा को कहने के लिए एक कॉलम मात्र ही मिलता है, लेकिन ओडिशा के पश्चिमांचल में कौशल प्रभा नामक आंचलिक साप्ताहिक समाचार पत्र लगभग 19 सालों से निरंतर प्रकाशित होते आ रही है, जिसमें ओडिया भाषा एवं वहां की आंचलिक भाषा कौशली वहां की आंचलिक भाषा है को एक समान दायरे में रखा है। सिर्फ उतना ही नहीं, इसके अलावा नुआ शकाल, बरुआ आदि और भी कई पत्रिकाएं मूल रूप से कौशली भाषा में ही प्रकाशित हो रही है। ओडिशा की नारी पर कुछ कहना चाहूंगी। ओडिशा के आंचलिक क्षेत्र में नारी स्वातंत्र्य यहाँ के लोक जीवन का वैशिष्ट्य है। यहाँ नारी को संपूर्ण हक मिलते हैं, वो सम्मान की अधिकारी है। ओडिशा नृत्य और आंचलिक संबलपुरी गीत रंगवती सभी ने सुना होगा आप लोगों ने, आदि को विदेशों में भी मान्यता प्राप्त हुई है। रंगवती रंगवती कनक लता हंसी पदे कहलो कथा, इस एक गीत के जरिए बताया गया है कि नारी संपूर्ण रूप से हर गुण में परिपूर्ण है। अब विषय का आरंभ कर रही हूं। दरअसल हमने तो अब तक हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, बंगला, मराठी भाषा ही सुना था। अब आप जानना चाहेंगे कि आंचलिक भाषा की कोई भाषा होती है क्या? हाँ होती है। ये किसी विशेष क्षेत्र या अंचल में बोली जाने वाली भाषा है, जैसे भोजपुरी, मगही, अवधि। फिर भी इन आंचलिक बोलियों को हम भाषा मानते हैं। कहा भी जाता है यदि साहित्य जीवन का प्रतिबिंब है तो लोक साहित्य उस अंचल के जनजीवन का प्रतिबिंब है। इसलिए यदि आंचलिक भाषाएं सबल न हुई तो इसका सीधा असर हिंदी और उसके स्वरूप पर ही पड़ेगा। तो आज का विषय है साहित्य में आंचलिक भाषाओं का स्वर माधुर्य, ठेठपन और विलुप्त होती लोकोक्तियां, मुहावरे और कहावतें। निश्चित रूप से ये एक अच्छा और महत्वपूर्ण विषय है।
साहित्य और आंतरिक भाषा के इस घमासान मंच में इस बात को रखना मैं जरूरी महसूस कर रही हूँ कि साहित्य में आंतरिक भाषा के जुड़ाव से उसमें निरंतर जुड़ाव से की सहज स्वीकार्य और व्यवहार की भाषा है, लेकिन आंचलिक भाषाओं का न केवल शब्द भंडार हिंदी के शब्द भंडार से अलग है एवं विपुल है, बल्कि देखा जाए तो आंचलिक भाषाएं कई अर्थों में चमत्कारी भी हैं। इसका लाभ यदि हिंदी को मिलता है तो यह भाषा के तौर पर हिंदी के लचीलेपन का ही द्योतक है। आंचलिक भाषाओं से हिंदी का सहयोग बना ही तब रहेगा जब हिंदी उनसे बराबरी का व्यवहार करे। किसी भी क्षेत्र की आंचलिक भाषाएं और हिंदी परस्पर शत्रु नहीं है, किंतु ये भी सत्य है कि ग्रामीण अंचल में और शहरी क्षेत्रों में हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में आसाधित सुधार मिलता रहा है। अब आंचलिक भाषा क्या है? मुख्य रूप से आंचलिक भाषा किसी एक अंचल में बोली जाती है, किसी एक क्षेत्र में कही जाती है। ज्यादातर वहां के शब्द वहीं तक ही सीमित रहते हैं, बहुत दूर तक प्रचलित नहीं होते। बहुत दूर तक प्रचलित न होने का कारण यह है कि उसे उसी क्षेत्र की भाषा मानी जाने लगती है, और जब कोई लेखक वहां के पात्रों को लेकर उन्हीं की भाषा को समझकर उन्हीं की बोली का प्रयोग कर कुछ लिखता है तो कहा जाता है कि उसने आंचलिक भाषा में लिखा है। जैसे हिंदी साहित्य में मशहूर फणीश्वरनाथ रेणु जी का साहित्य इसलिए भी लोकप्रिय है, रोचक है, क्योंकि उन्होंने अपने उपन्यासों में अपनी कहानियों में आंचलिक शब्दों का खूब प्रयोग किया है, और लोक कथाओं में भी उन्होंने आंचलिकता का प्रयोग कर उसे खूब रोचक बना दिया है। इसके द्वारा भी साहित्य में मिठास आ जाती है जो साहित्य की सबसे अच्छी विकास होती है। कभी कभी लेखक खड़ी बोली में लिखते लिखते हठात आंचलिक भाषा में इसलिए चला जाता है कि उस खड़ी बोली में वह शब्द नहीं होते जिससे वह वहां की घटनाक्रम को वर्णित कर सके। उसे आंचलिक भाषा का इसलिए सहारा लेना पड़ता है कि वहां के शब्दों से ही वहां के लोगों को समझाया जा सकता है। अगर उस अंचल के लोगों के समक्ष खड़ी बोली में कह डाले तो वह समझ ही नहीं पाएगा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। पश्चिम ओडिशा की लोक कथाओं में पशु पक्षी भी मुख्य अंग होते हैं। संबलपुरी भाषा में कथित बकरी और उसके बच्चे की कहानी यहाँ बहुत प्रसिद्ध है। एक गांव में एक बकरी रहती थी। दिवाली आने से पहले उसका बच्चा माँ से कहता है, माँ ओ माँ मेरे लिए कुर्ता बनवा दोगी? उस दिन जल रहे दिए और फूट रहे पटाखों को देखकर कितना मजा आएगा। इस कथा से दीपावली दशहरा पर्व के आंचलिक लोगों का धार्मिक विश्वास सन्निहित है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.